हाय दोस्तों, सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने वाली हूँ केले के लड्डू। बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है ये लड्डू। ये लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए केले, जो नॉर्मल वाले केले नहीं है, ऐसे वाला केले, मतलब जो प्लांटेन है ना, वही केले चाहिए ये लड्डू बनाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन फॉर मोर वीडियोज। अब चलिए चलते हैं रेसिपी में। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 केले। इसको पहले स्टीम पे रखना है, माइक्रोवेव पे भी रख सकते हैं या नहीं तो नॉर्मल स्टीमर पे भी रख सकते हैं। 3 मिनट्स के लिए रखना है, उसके बाद वो कुक हो जाएगा। कुक होने के बाद उसके छिलके निकालने हैं, उसके बाद हमको ऐसे स्मैश करना है, बहुत अच्छे से स्मैश करना है। उसके बाद ऐड करना है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, फिर 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर भी ऐड करना है। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अगर आपको चीनी भी ऐड करना है तो इस स्टेप पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब ड्राई वाला कोकोनट है ना, डेसिकेटेड कोकोनट, वो लिया है मैंने, उस पर शुगर ऐड करना है। आपके टेस्ट के अनुसार कितने भी चीनी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करके वो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम केले के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, जैसे लड्डू के साइज में बनाएंगे हम। 12 बॉल्स मिले हैं हमें 2 केले से। अब इसको फ्राई करना है। पैन गरम करने के बाद इसमें घी डालना है। घी डालने के बाद इसमें जो लड्डू है ना, वो बनाने के बॉल्स है ना, वो डालने हैं। सब डाल के फ्राई करना है। अगर आपको घी ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे सारी साइड से। अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये सब। अब डेसिकेटेड कोकोनट एंड शुगर मिक्स है ना, उसमें ये सब डाल के अच्छे से कोट करना है। ऐसे किए तो वो सब कोट हो जाएगा। अब सारे बॉल्स ऐसे ही करना है। अब देखिए, केले के लड्डू तैयार हो गए हैं। बहुत मस्त दिख रहे हैं और ऐसे बहुत सॉफ्ट है ये तो, एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप सब लोग घर पे ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक्स कमेंट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में केला रेसिपी के साथ मैं आती हूँ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।